बन्ते द्वारतेन कथं सर्वं अपराधं खमतु मे भन्ते। द्वितीयं ते ओकाशवन्दामि भन्ते द्वारतेन कथं सर्वं अपराधं खमतु मे भन्ते। तृतीयं ते ओकाशवन्दामि भन्ते द्वारतेन कथं सर्वं अपराधं खमतु मे भन्ते। We will ask for Uposatha Ashtashil. Okay. Okasa aham bhante ti saranena sa sati panchashilam ti saranena sa ashtashilam uposat dhammang yachami anugaham katva shilam detame vante dutiyam ti okasa aham bhante ते सरणेन सह अष्टशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देतमे भन्ते। तृतीयं ति ओकास अहं भन्ते ते सरणेन सह सति अष्टशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देतमे भन्ते। यं महामि तं वदेत आम बन्ते बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तातियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यम्ति धम्मं शरणं गच्छामि तातियम्पि संघं शरणं गच्छामि तत्यम्ति संघं शरणं गच्छामि तिसरणगमनं सम्पुन्नं आमन्ते पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरामृय मज्जपमाडट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरामृय मज्जपमाडट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि विकाला भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि विकाला भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि नच्च गीता वादिता विशोकदर्शना नच्च गीता वादिता विशोकदर्शना माला गंधा विलेपाना माला गंध विलेपाना धारणा मंडना विभूषणट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि उच्चाशयना महाशयाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि उच्चाशयना महाशयना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि तिसरण गमनं सद्धिं पोषतं अट्टशीलं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अप्पमादेन संपादे तब्बं आम बनते साध साध साध
Okay, now for those who wish to take the Ajiva Atthamaka Sila can request for it. Okay, but on behalf of all, I will request you. Okas aham bante ti saramena sa saddhi ajiva attamagga shilam dhammam yachami anugaham katva shilam detame bante dutiyam ti okas aham bante ti saramena sa ajiva attamagga shilam dhammam yachami anugaham katva shilam detame bante तत्यम् ति ओकास अहम् बन्ते ति सरणेन स आजीव अट्टमग्ग शीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देतमे बन्ते यं महामि तं वदेता अहम् बन्ते बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तिसरणगमनं सम्पुण्यं बन्ते पानातिपाता वेरमणी सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वेरमणी सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पिशुना वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पिशुना वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तरुषा वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि परुषा वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सम्पप्पला वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सम्पप्पला वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मिच्छा आजीवा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मिच्छा आजीवा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तिसरणगमनं सद्धिं आजीवा अर्थमगशीलं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अप्पमादेन सम्पादे तब्बं आं बुद्धे साधु 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 So, those people who have observed the eight precepts and those people who have observed the Ajiva Tamak Sila, for them, they must know the importance of the Sila and the three refuge that we have taken. These things will lead us to confidence, and this confidence will lead us for a better place, as I have mentioned yesterday also. So the development of the Sila, it comes on reflection also. So it is very important that the Sila that we have observed, we must reflect on them again and again. Because even Sila also, there is a contemplation or a meditation. So it is one of the very important factor for us to look into our Sila every day. So today,
I have been requested to give a Dhamma talk regarding the Bhojanga Sutta. So I will speak something related to Bhojanga Sutta, and I will try to speak in Hindi because I have been requested, so that many people can understand in Dhamma in a better way. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Aneka jati sangsarang saddavissang anivissang. Gahakar gavesinto dukkha jati punapunang. आज हम भोजंग सुत्ता के बारे में हम कुछ बताएंगे. भोजंग सुत्ता जो कि एक फैक्टर्स है एनलाइटमेंट के लिए, जिसमें सात है, सात एनलाइटमेंट फैक्टर्स जो है भोजंग सुत्ता है, उसमें सबसे पहले आते हैं साती. उसके बाद आते हैं धम्म विजय, इन्वेस्टिगेशन ऑफ धम्म. उसके बाद में आते हैं वीर्य, एनर्जी. उसके बाद आते हैं प्रीति, रैप्चर. उसके बाद आते हैं पश्चाद्धि, काम. उसके बाद आते हैं समाधि, कंसंट्रेशन. उसके बाद आते हैं उपेक्षा, इक्विनिमिटी. ये भोजंग सुत्ता अगर हम देखा जाए तो त्रिपिटक कैनन पे तीन बारी भगवान बुद्धा ने सुनाया है. जब पहले बार महाकश्यप भंते जी बीमार हुए थे, तब भगवान बुद्धा उनको मिलने गए तो उनसे पूछा, महाकश्यप तुम्हारे शरीर अब कैसा है, कि अभी भी दर्द है? महाकश्यप बंते ने बताया, हाँ भगवान, मैं उठ नहीं पाता हूँ, बैठ नहीं पाता हूँ, अभी भी मेरे शरीर में बहुत दर्द है. तब भगवान बुद्धा ने कहा था, महाकश्यप तुम इसे ये सात भोजंगा को रिफ्लेक्ट करो. जब भगवान बुद्धा ने ये सात रिफ्लेक्शन दिए थे, तब महाकश्यप बंते सुनने के बाद उनके जो शरीर में जितने भी दर्द थे सब चले गए थे, और वो फिर से बेहतर महसूस करने लगे. फिर दूसरे बारी महामोगलाना बंती के साथ भी ऐसे ही हुए थे कि उनके शरीर में भी बहुत दर्द था. फिर भगवान बुद्धा ने गए उनसे मिलने, फिर वही कर बताया उन्होंने जो महाकश्यप को बताए थे. फिर एक बार एक सुत्ता भगवान बुद्धा बीमार हो गए थे, तब उनके उपस्थायिका जो अटेंडेंट थे वो चुंदा थे, महाचुंदा. तब भगवान बुद्धा ने बोले थे कि महाचुंदा को कि आप ये रिसाइट करो ये भोजंगा. तब महाचुंदा ने जब ये रिसाइट किए थे, तब भगवान बुद्धा भी अपने शरीर के दर्द से रिकवर हो गए थे. तो हम अगर देखा जाए तो ये सेवन रिफ्लेक्शन जो है सत्य भोजंगा, अगर हम उसे देखें तो हम भी, हमारे जितने भी फिजिकल डिफिकल्टीज है, जितने भी हमारे शरीर में दर्द है, हम उनसे फ्री हो सकते हैं. क्योंकि हमारे फिजिकल में जो भी पेन है उसे हम फील करते हैं हमने मेंटलिटी पे. और अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे अगर कुछ भी हम करने जाए, कुछ भी हम शुरू करने जाए, सबसे पहले हमें ज़रूरत है साथी, जो कि सबसे पहला फैक्टर है माइंडफुलनेस. अगर हम साथी हमारा नहीं होंगे तो हम पहले बात तो हम ध्यान करने बैठ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें याद नहीं है कि हमें मेडिटेशन करना है. तो अगर हमें साथी है तभी जाके हमें पता चलेगा कि हाँ हमें अभी मेडिटेशन करना है. तब अगर मेडिटेशन भी हम करेंगे ध्यान पे, तब जाके हमें पता चलेगा कि हम अभी ध्यान कर रहे हैं. तो ये सब कुछ हो रहा है साथी की वजह से. अगर साथी ना हो तो दूसरे भी साथ में नहीं चलेंगे. अगर साथी है तभी जाके आपके पास ये आएंगे,
धम्म विजय, जब हमारे साथी चल रहे तभी जाके हम इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, तभी जाके हम देख पाएंगे क्या हो रहा है धम्मा पे, क्या हो रहा है धम्मा के बारे में अगर हम देखें तभी जाके हमें पता होगा क्या क्या चलने वाला है धम्मा पे। तो वो ऐसे करते करते हम इन्वेस्टिगेशन ढूंढ पाएंगे क्या है धम्मा। ये करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, वीर्य, जो कि थर्ड फैक्टर से एनर्जी। अगर वीर्य अगर हमारे पास है तब हम और इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, क्योंकि उसमें शक्ति चाहिए हमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगर हम वो वीर्य भी हमारे पास अभी है फैक्टर्स, तब ऐसे अगर हम करें माइंडफुलनेस है हमारे पास, हम धम्म विजय है हमारे पास और एनर्जी है वीर्य, अगर हम इसे करते जाए तो हमें देखने मिलेगा कि हमारे मन में पीती आने शुरू हो गया, रैप्चर। वो पीती अभी हमारे पास है जो कि फोर्थ एनलाइटमेंट फैक्टर है। अगर हम ये चारों चीज है और चल रहे हमारे माइंड पे, फिर ये माइंड जो है पस्ता दिया आएगा उसमें, काम रिलैक्स माइंड, वो है फिफ्थ पांचवा नंबर पे है फैक्टर्स। अगर ये हमारे पास है पांचवा, उसके बाद आएंगे कॉन्सेंट्रेशन पश्चादी के बाद, जब हमारे माइंड बहुत काम है, रिलैक्स है, शांति है, तभी जाके हम कॉन्सेंट्रेशन कर पाएंगे, तभी जाके कॉन्सेंट्रेशन आएगा माइंड पे। वो हो गया छह नंबर कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये छह चीजें हमारे पास है और हम प्रैक्टिस कंटिन्यू जारी कर रहे, उसके बाद आएगा उपेक्षा, इक्विनेमिटी, बैलेंस, सब कुछ बराबर। अगर ये सब कुछ है ना, ये सात मेंटल फैक्टर्स जो कि एनलाइटमेंट के लिए है, तो समझ में आ सकता है कि हमारे जो एनलाइटमेंट फैक्टर्स जो आने वाले हैं वो भी आएंगे हमारे पास, क्योंकि ये कंडीशन जब हमारे पास है ना, हम देख पाएंगे जो चीज है सही जगह पे, थिंग्स एज दे आर। अगर हम ऐसे देख पाएंगे ना, तो हम डेफिनेटली हम विपासना पे जाएंगे। अगर हम विपासना में जाते हैं तो हम देख पाएंगे रूपा कल्पा, जितने भी चीजें हैं जो हम नहीं समझते हैं, हम उसे बेहतर समझेंगे। अगर हम बेहतर समझते हैं तब जाके हम वो चीजें नहीं करेंगे जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि हम अभी अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, हम अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, तब जाके हमारा जो ये मोह डिल्यूशन जो है वो कम होगा। इसलिए ये फैक्टर्स ऑफ एनलाइटमेंट जो है उसे हमें बार बार रिपीट करना है, जैसे कि इवन कश्यप बंते जी को भगवान बुद्धा ने बताया था कि तुम इसे रिफ्लेक्ट करो तब कि तुम्हारे शरीर में जितने भी तकलीफ है वो दूर हो जाएंगे। महामोगलाना को भी, और इवन कि भगवान बुद्धा ने भी चुंदा को बताया था कि इसे तुम सुनाओ ताकि हमारे पास ये रिफ्लेक्शन फिर से आए, और ये रिफ्लेक्शन के बाद हमारे जो भी डिफिकल्टीज है फिजिकल वो दूर हो जाए। अगर ये चीजें अगर हमारे फिजिकल में से अगर दूर हो जाता है तो हमारे सिर्फ माइंड बहुत रिलैक्स रहता है, वो रिलैक्स माइंड जो पास्ता दी है उससे कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, वो कॉन्सेंट्रेशन के बाद हमें उपेक्षा मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स ऑफ एनलाइटमेंट। तो ये फैक्टर्स ऑफ एनलाइटमेंट जो आज मैं आप बताने वाला हूं, ये किन से आया है, भगवान बुद्धा से, जो कि ओमनीसाइन, जो कि उन्हें सब पता है जो चीज पता होना चाहिए। मगर हमारे भगवान बुद्धा जो आज से 2600 साल पहले बोधि पेड़ के नीचे बैठ के जो इन्होंने ध्यान किया था, वो ध्यान के बाद जो उन्होंने धम्मा जो उन्होंने मिले थे, वो 2600 साल पहले से नहीं, उन्होंने चार असंख्य और 100,000 कल्पा पहले से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया था। उनकी जो पारामी है 10 पारामी पूरा करने के लिए, वो 10 पारामी पूरा करने के बाद वो जब 2600 साल पहले बोधि पेड़ के नीचे बैठे थे, तब उन्हें देख पाए वो सब कुछ, जितना भी फैक्टर्स है, जितने भी बोधि चेतसिका से सब उन्हें देख पाए, तब जाके उनको पता चला कि ये 7 फैक्टर्स ऑफ एनलाइटमेंट जो सप्त भोजंग है वो कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं भगवान बुद्धा के लिए। तब जब मैंने आप लोगों को ये बताया कि भगवान बुद्धा अभी से नहीं, चार असंख्य और 100,000 कल्पा पहले से वो अपना पारामी पूरा कर रहे थे, तो उनका जो पारामी है 10 पारामी से, पहले पारामी जो उन्होंने पूरा किया वो दान पारामी,
दाना पारमी उन्होंने क्यों पहले शुरू किया? क्योंकि अगर हम कुछ भी करें तो हम पहले हमें कुछ बाहर से करना है, जो एक्सटर्नल चीज है, जैसे कि दान हो गया। अगर हम वो दान दे सके ना, तो उसमें भी एक फैक्टर आएगा हमारे पास एनलाइटमेंट के लिए, वो है रैप्चर, पीटी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान बुद्ध जब दान पारमी कर रहे थे 4 असंख्य और 100,000 कल्पा पहले, तो वो करते जा रहे थे जन्म जन्म से दान। वो जन्म जन्म से दान देते 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 वो फिर दूसरे पारमी में भी गए। मगर ये दान जो उन्होंने किया, दान पारमी, वो दान पारमी में 3 लेवल है, छोटा, मीडियम और हाई पारमी। तो छोटा पारमी जो है दान का, वो है हमारा संपत्ति, धन, वेल्थ। तो वो जब अपने ये संसार में घूम रहे थे और अपना दाना पारमी पूरा कर रहे थे, तो पहले दाना जब वो कर रहे थे दान पारमी, तब वो अपने दान संपत्ति जो है वो दे रहे थे जन्म जन्म पे। तो धम्मा पे एक जातका है जो कि मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, दाना रिलेटेड जातका। एक बार हमारे बोधिसत्ता पैदा हुए थे राजकुमार, मतलब राजा के घर पे। तो उनका पिताजी जो राजा थे वो जब गुजर गए, उनका महल से जो मिनिस्टर, जो सेठी थे, वो आके बोधिसत्ता राजकुमार को बताए कि सर, आप आज से इनका सब चीजों का मालिक हो, जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, जितने भी संपत्ति है, वो सब आपका है आज से। बोधिसत्ता ने पूछा, क्यों? मेरे पिताजी के थे, उन्होंने क्यों ले नहीं गए? बोलते नहीं, ये संपत्ति जो है वो नहीं ले जा पाएंगे। उनके पास कहाँ से आया? मेरे पिताजी के पास, उनके पिताजी के पिताजी से। तब बोधिसत्ता ने समझा, ये संपत्ति, ये धन जो है वो मेरे काम के लिए भी कुछ नहीं है, मैं इसे कुछ नहीं ले जा पाऊंगा। तब उन्होंने बताया अपने मिनिस्टर को कि आप जाके शहर पे ढोल बजाओ और बताओ लोगों को कि जिसको भी धन चाहिए आके इस महल से ले जाए। और वो मिनिस्टर ने किया। 7 दिन तक लोग आए महल पे और धन लेते गए, मगर खत्म नहीं हुआ, इतना धन था बोधिसत्ता के पास। जब उन्होंने देखा कि खत्म नहीं हो रहा है, वो ये सब त्याग देके चले गए हिमालय पे। अब हिमालय में जाके वो अभी ध्यान, अपने समाधि डेवलप कर रहे शीला के साथ। तब ना हमारे जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर में ना देवालोक है, देवालोक, देवालोक्ष, सेलेस्टियल वर्ल्ड। हमारे ऊपर में ना चतु महाराजी का है, 4 गार्डियन, जो ये यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर रखते हैं। और उनके ऊपर में जो है ना वो तावतिमसा है, गॉड ऑफ 33। उनका जो किंग है ना तावतिमसा का, वो सक्का है, जिसे हिंदू लोग कहते हैं इंद्र। तो ये जो सक्का जो है, उनकी जो बैठने का जो जगह है ना, एक बहुत बड़ा सा उनका एक आसन है, बहुत बड़ा सा, जो कि 18 योजन, मतलब अकॉर्डिंगली ऐसे 25 माइल बड़ा। वो ना गोल्डन थ्रोन है, सोना का बना हुआ है पूरा। तो कमेंट्री में ऐसे कहा गया है कि जब भी कोई पृथ्वी में अच्छा काम करते हैं ना, तो वो उनका सीट जो है वो गर्म हो जाता है। जब ये सीट गर्म हो जाता है ना, तब वो साक्का जो है वो देखता है कि क्यों मेरा ये सीट गर्म हो रहा है। तब उन्हें पता चलता है कि कोई पृथ्वी में कोई महापुरुष बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि कौन है ऐसे काम कर रहा है। तो वो देख पाए कि बोधिसत्ता जो कि राजकुमार थे, वो अपने घर छोड़ के, जितने भी धन थे सब लोगों को दे के, वो अब हिमालय में जाके वहां पे वो सील डेवलप, सील पारमी पूरा कर रहा है, समाधि पारमी पूरा कर रहा है। तो वो उन्हें देखने चाह रहे थे, उनका पेशेंस जो है वो टेस्ट करने चाह रहे थे। तब वो इंद्र जो सक्का जो है, वो एक रूप लेके आए बोधिसत्ता के पास हिमालय पे। जब बोधिसत्ता ने देखा कि ये एक उपासक आ रहा है मेरे पास,
तब उन्होंने क्या किया, वहां से कुछ जड़ी बूटी, कुछ हर्ब्स ये सब लेके ना गर्म पानी में ना बॉईल करके ना गर्म करके वो आदमी को दिया पीने के लिए जो सक्का थे। जब सक्का ने लिया वो पानी जड़ी बूटी का, जब उन्होंने पिया ना, वो पीने के बाद बोधिसत्ता ने हाथ जोड़ के बोला, साधु साधु साधु, रिजॉइस, मतलब वो आज कुछ कर पाए खुशी से। तो तब सक्का ने बोला कि आज आप इतने खुशी क्यों हो, ये चाय, ये सिर्फ जड़ी बूटी गरम करके मुझे दिया आपने पीने के लिए, पहले तो आप राजकुमार थे, आपने तो 7 दिन तक धन दिया मगर फिर भी आप इतने खुशी नहीं थे, मगर आज क्यों? तब बोधिसत्ता ने बोला, मैं जब पहले राजकुमार था, जब मैं 7 दिनों तक मैंने धन दिया, तब मेरे पास सीला नहीं था, तब मेरे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं था, समाधि नहीं था। आज मैं जो आपको ये जड़ी बूटी गर्म करके पानी में दिया पीने के लिए, मैंने आपको दिया सीला के साथ, मैंने आपको दिया विजडम के साथ, तो ये अकेला ही वो जो दान दिया था मैंने संपत्ति, उससे ऊपर है ये दान जो मैंने आपको आज दिया है, इसलिए मैं खुशी हूं कि आज मैं कुछ कर पाया सीला के साथ, मैं आज कुछ कर पाया समाधि के साथ, तो वो अकेला उसके ऊपर है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि बोधिसत्ता, उन्होंने भी रिजॉइस, उन्होंने भी साधु किया जब वो उनके पास सीला थे, सीला के साथ इवन की थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ कर पाया, दान दे पाए, कुछ धम्मा के काम कर पाए सीला के साथ। तो हम भी आज जैसे सीला लिया, उपोसता अट्ट सीला, आजीव अट्टम का सीला, उसके बाद अगर हम कुछ भी करें ना, तो हमारे माइंड में ना ये फैक्टर्स आएंगे, जो भी है साथी आएंगे, धम्म विजय आएंगे, और एनर्जी आएंगे, रैप्चर प्रीति आएंगे, पसद्धि समाधि उपेक्षा, क्योंकि हमारे पास सीला है। अगर सीला है तो हमारे पास कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है तो ये साती प्रीति जितना भी फैक्टर्स ऑफ एनलाइटमेंट है ना सब आएंगे, क्योंकि उसे आने के पहले हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस आने के लिए हमारे पास सीला होना चाहिए। अगर सीला ना हो तो हम हमारे पास अच्छे अलग सब फैक्टर्स भी नहीं आएंगे एनलाइटमेंट के लिए। तो हम ये बोधिसत्ता का ये जातक सुन के देख के समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है सीला। तो तब हमारे भगवान बुद्धा, तब हमारे बोधिसत्ता ये पारमी पूरा करते 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 संपत्ति, वो उन्होंने अपने नेक्स्ट लेवल पे आए, जो कि नेक्स्ट लेवल जो है वो अपने शरीर का दान दे सकते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में खून है, आँख है, हार्ट, लीवर, किडनी, वो जब भी जरूरत पड़ते है किसी को वो दे देते हैं, क्योंकि उनका लेवल जो है अभी वो संपत्ति के ऊपर आ गए, क्योंकि वो संसार पे ये धन के दान देते 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 वो मैच्योर हो गए, उसमें वो डेवलप्ड हो गए। अभी नेक्स्ट लेवल जो है वो मिडिल पारमी, मिडिल वाला, तो वो अपने आप शरीर का दान दे सकते, किसी को भी खून चाहिए, किसी को भी किडनी चाहिए वो दे सकते, वैसे लेवल के बोधिसत्ता। ऐसे करते 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 जन्म 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 वो लेवल को भी वो अपग्रेड करके ना वो थर्ड वाला में गया, सबसे ऊपर वाला पारमी, क्योंकि वो अपने जीवन भी दान दे सकते है। मैं फिर से एक और एक छोटा कहानी बताने वाला हूँ जो कि बोधिसत्ता का, जब वो अपने शरीर दान दे रहे थे। एक जन्म पे बोधिसत्ता पैदा हुए बहुत बड़े सेठी के घर पे, और उस शहर पे जहां पे उन्होंने जन्म लिए थे वहां पे और एक उपासक, उनके जो दोस्त थे, दोनों सोच के, दोनों ने समझ के संसार को त्याग दे दिया और दोनों चले गए हिमालय पे, वहां पे ध्यान करने लग गए, बोधिसत्ता और उनके मित्र।
तो वो लोग जब रहने शुरू करे हिमालय पे, तो एक बारी उन्होंने देखा कि एक शेर, शेर और शेर का बच्चा नीचे खड़ा था पहाड़ के ऊपर से, वो लोग दोनों देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये शेर जो है बहुत भूखा है, और उसे इतनी जोर से भूख लगा कि वो अपने अभी बच्चे को खाने वाला है। तो बोधिसत्ता देख के समझ गया और बोला अपने मित्र को, दोस्त को बोला, देख रहे हो क्या होने वाला है, माँ अभी अपने बच्चे को खाने वाला है भूख से, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है भूख उनको। तब उनके दोस्त जो है बोला कि मैं जाके कुछ देखता हूं, अगर कुछ मुझे मिले तो मैं उनको दूंगा। तो वो चला गया ढूंढने के लिए कुछ खाने के लिए। वो जब रिटर्न आया ना, वापस जब आया वो उनके दोस्त मित्र, तो देख रहा है कि वहां पे बोधिसत्ता नहीं है। उन्होंने जब पहाड़ के ऊपर से देखा नीचे में, देख रहा है कि शेर और अपने बच्चे के मुंह पे खून है, और वहां पे ना थोड़ा बहुत सफेद कपड़ा नीचे घिरा हुआ था, मगर बोधिसत्ता को दिखाई नहीं दे रहा है। तब उनको समझ में आया, जो बोधिसत्ता जो है वो अपने जीवन जो है अपने शरीर को दे दिया उनको खाने के तौर से। तब ना वो उनका जो दोस्त था वहां पे, वो तापस जो था वहां पे, उन्होंने बोला कि तुम मेरे से पहले बुद्धा बनोगे। वो उपासक जो था, वो उपासक कौन था पता है? वो मैत्रेय बुद्धा थे। तब उन्होंने बोला था कि मेरे पहले आप होंगे बुद्धा, क्योंकि उनका जो दान जो पारमी था इतना वो था कि उन्होंने कभी सोचा नहीं ये जो मेरा जीवन है, उन्होंने देखा ये इम्पोर्टेंट दूसरे के जन्म, दूसरे के जीवन के लिए, तो वो कर पाए ऐसे। तो वो चीजें उनका डेवलप था तब, जब वो कर पाएंगे ये सब चीजें। तो देख रहे हो हमें दाना का लेवल जो है वो छोटा, मीडियम और हाई, तीन लेवल का दाना है। वो करते करते साथ में सीला भी भगवान बुद्ध का पारमी पूरा हुआ, फिर निखमना आदि, निखमना रिनाउंसिएशन भी पूरा हुआ, फिर पैन्या वीर्य कांति सच्चा अधिष्ठान मेत्ता उपेक्षा, ये 10 पारमी पूरा करने के बाद भगवान बुद्ध आए बोधि पेड़ के नीचे में। उन्होंने ध्यान करे, वहां पे वो भगवान बुद्ध बन पाए। भगवान बुद्ध होने के बाद में उन्होंने देखा ये गाथा जो मैंने कहा था, अनेक जाति संसारं सद्य विसंग अनिविसंग गहा कार्य गवे सिंतो दुखा जाति पुनः पुनः। हम अनेक जाति बहुत जन्म लिए संसार पे, ढूंढ रहे जो घर बनाते हैं, परंतु नहीं मिला जो बनाने वाला घर। बार बार जन्म लेना दुखा है, भगवान बुद्ध ने कहा, पहला कहा था उनका। तो हमें समझना चाहिए कि यह संसार जो है वो बहुत दुखा है, बार बार जन्म लेना, बार बार वही चीजें करना, बार बार बूढ़ा होना, बीमार होना, बार बार मरना। अब जब हम इस जन्म पे आए, मनुष्य जन्म जो कि दुर्लभ, मतलब बहुत कम, बहुत मुश्किल है मनुष्य जन्म लेना, मनुष्य जन्म लेने के बाद भी हमारे आज जितने भी फैकल्टीज है, सेंस है, सब ठीक है, वो कंडीशन भी हमारे साथ है। उसके बाद हमारे पास धम्मा भी है भगवान बुद्धा के पास, हमारे कम्मा के वजह से, अच्छा कर्मा की वजह से हमें धम्मा भी सुनने मिला। हमें पता है सीला के वैल्यू क्या है, तो हमें ना शक्ति लगाना है, जो कि और एक एनलाइटमेंट फैक्टर्स है, वीर्य डिलीजन पमादा अपमादा ने विक्खवे डिलीजन स्ट्राइव और भिक्खु। भगवान बुद्ध बोल रहे थे भिक्खु स्ट्राइव मतलब शक्ति लगा के ध्यान करो, दुर्लभ ये संसार जो है इसे एक हट जैसा होता है ना, जैसे कुटी होता है, वो अगर तेज से एक अगर हाथी आता है उसको तोड़ के चला जा सकता है, वैसे हमें भी
ऐसे शक्ति लगाना है और ये संसार से बाहर जाना है, क्योंकि हमें नहीं पता अगर हम इस बार अगर हम अच्छे से शक्ति ना लगाए तो फिर से कब हमें मौका मिलेगा ये करने के लिए, फिर से कब हम अच्छा कल्याण मित्ता में कब मिलेगा हमें नहीं पता। तो ये चीजें जो अब हमें सुनने मिला है, अभी हमें समझना है उसके बाद कि ये धम्म जो है वो क्या है, वो समझने के बाद हमें उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये तीन चीजें हैं, पहले हमें धम्म सुनना है, उसके बाद हमें एनालाइज करना है, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करना है। तो आज हमने जो कहा ये सत्य भुजंगा जो कि साती, धम्म विजय, वीर्य, प्रीति, पश्चादि, समाधि और उपेक्षा, ये सात जो है वो बहुत गंभीर है। एक एक चीजें हमें बहुत समय लगेगा समझने के लिए, मगर अगर आज से अगर हम शुरू करें साती जो है, हम डेफिनेटली एक दिन डेवलप कर पाएंगे। ये साथी जो है मैंने बताया था कि ये सबसे पहला फैक्टर है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। अगर साथी ना हो हम तो कहीं भी कुछ शुरू नहीं कर पाएंगे, हम धम्मा एक्टिविटी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भगवान बुद्धा ने कहा सतिपट्ठान सुत्ता में, जो उठते बैठते खड़ा होते और सोने में अगर साथी रखे तो वो आइदर 7 दिन या 6 साल में वो अरहंत हो पाएंगे, मगर हमारे पास वैसे साथी है नहीं। तो हमें वो लेवल को हमें साथी डेवलप करना है। अगर हम वो साथी अगर हम डेवलप करें ना तो हमारा सब चीजें सही रहेगा। जैसे हम सुबह उठते हम ब्रश करने के टाइम हमारे मन दांत पे होना चाहिए, ब्रश पे होना चाहिए। हम अगर कुछ काम करने जा रहे हैं झाड़ू मार रहे तो हमारे हाथ पे मन होना चाहिए। हम अगर बर्तन सफाई कर रहे हैं तो हमारे वो बर्तन पे मन होना चाहिए, माइंडफुलनेस प्रेजेंट मोमेंट पे होना चाहिए जो चीज हम कर रहे हैं। अगर हम ऐसे करें ना करते करते ये प्रैक्टिस, जब हम आके क्रॉस लेग करके बैठेंगे पद्मासन पे, थोड़ा सा अगर हम सांस में भी ध्यान देना तो हमारे वो मन सांस पे रहेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत कम डिस्ट्रैक्शन है अभी, क्योंकि हम ऑलरेडी बाकी एक्टिविटीज माइंडफुलनेस साथी से हम कर रहे हैं। अगर हमारे ये बाकी जो एक्सटर्नल काम जो है उसमें भी अगर हम साथी लगा के रखे तो डेफिनेटली इंटरनल जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें भी हम अगर लाए हमारे मन को तो वो वहां पे रहेगा। और वो साथी अगर वहां पे रहता है तब जाके हम इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे धम्म विजय। धम्म विजय है तो हमारे पास वीर्य भी आएंगे, प्रीति भी आएंगे, पश्चादि, समाधि, उपेक्षा, ये 7 factors of enlightenment आएंगे हमारे पास। अगर ये 7 factors of enlightenment हमारे पास है तो हमारे पास ज्यादा दूर नहीं रहेंगे जबकि हम निब्बाना जा पाएंगे। तो भगवान बुद्धा ने आज हमें जो धम्मा दिखाया है, धम्मा का रास्ता जो दिखाया है, वो चीजें हमें करना है प्रैक्टिस हीटफुली। अगर हम कर ना पाए तो ये बताना मुश्किल है कि हम फिर से कब हमें मौका मिलेगा फिर से हमें करने के लिए। इसलिए मैं आप सब लोगों को इम्पोर्टेंस बता रहा हूं क्या है ये धम्मा, कैसे हमें इसे डेवलप करना है और ये डेवलपमेंट के बाद हमें खुशी कैसे मिलता है। हम जो बाहर के एक्सटर्नल चीजें जो भी देख रहे हैं ना, जिससे भी हम खुशी लेते हैं ना, वो सब अनसेटिस्फैक्टरी है, मतलब मन नहीं भरता है उससे, क्योंकि एक के बाद एक चीज हमें रिपीट करना पड़ता है। जैसे कि आपने सोचो कि एक फिल्म देखा है, मूवी देखा है, मगर वो मूवी खत्म होने के साथ साथ आप फिर से एक दूसरा एक्टिविटी शुरू कर देते हो क्योंकि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। एक गाना सुनते हो उसके बाद में फिर दूसरा गाना चला देते हो, क्यों? पहले गाना जो आपको इतना अच्छा लगा था उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, इसलिए आपका दूसरा गाना चल रहा है अभी, ऐसे होता है। मगर जो हमारे भगवान बुद्धा के टाइम पे थे, जैसे सारिपुत्ता भंते, महामोक्कलाना भंते, वो लोग ऐसे नहीं थे। वो लोगों ने जो चीज देखा कि एक बार से दूसरी बार रिपीट हो रहा है, उनको देख के समझ में आ गया कि ये चीजें रिपीट हो रहा है बार बार ही,
हम ये चीजें नहीं करेंगे रिपीट। और वो लोग क्या होते हैं, वो लोग चले जाते हैं त्याग दे के, वो चीजें जब उनको रिपीट करना पड़ता है बार बार, तब जाके वो लोगों ने जब भगवान बुद्ध के धम्मा मिले उनको, वो लोग अरहंत बन गए। मगर हम जबकि ये धम्मा सुनने के बाद भी जो चीजें हम रिपीट करते जा रहे उसे फिर भी हम रिपीट किए आ रहे, अगर हम ये चीज से बाहर ना निकले तो बहुत मुश्किल है। जैसे कि अब हम घर गृहस्थी वाले लोग जो है, तो हमारे पास काफी सारे चीज एक्टिविटीज है करने के लिए जो कि हम करते जाते हैं, जो कि हमने पहले भी किया है। अगर वो चीजें बेनिफिट्स ना है हमारे पास तो हमें उसे कम करना है। अगर हम वो चीजें कम कर पाएंगे तभी जाके हम धम्मा पे और बढ़ पाएंगे, नहीं तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन करते जो कि धम्मा जो कि कुशल है, और फिर दूसरे तरीका से फिर से दूसरे तरफ अगर हम हमारे मन को और अकुशला रखे, तो ये डेवलपमेंट जो माइंड का है ना, ये आना मुश्किल है। अभी घर गृहस्थी लोग जो है, भगवान बुद्धा ने एक सिमिली दिया था कि एक आदमी अगर मशाल लेके आता है और वो नदी में पानी में देख रहा है कि वो एक लकड़ी बहक रहा है, वो आदमी सोचता है कि मैं वो लकड़ी को लाके मैं उसे जलाऊंगा, जला के उससे मैं आग का ताप लेके मैं अपने शरीर को गर्म करूंगा। भगवान बुद्धा ने पूछा था ये भिक्षु लोगों को, भिक्षु कि वो आदमी वो लकड़ी लाके जला के वो हीट प्रोड्यूस करने चाहता है कि कर पाएगा वो? भिक्षु लोग बोला नहीं बनते, नहीं कर पाएगा वो, जितना भी उसको जलाने का कोशिश करेगा उससे वो ज्यादातर वो परेशानी होगा, मतलब उससे गर्मी कभी नहीं आएगा। तो सेम भिक्षु, जो आदमी अभी भी घर पे रह के वो अभी भी सेंसुअल डिजायर पे बहुत डूबा हुआ है, वो चाहे जितना भी ध्यान करे मुश्किल है उसको हीट प्रोड्यूस करना। सेम चीज है, अगर हम घर पे रहकर हमें डेवलप करना है तो हमें ये जो सेंसुअल डिजायर जो है, जो भी चीज है, उससे हमें थोड़ा 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 करके दूर रहना है। एक ही दिन पे तो हम कर नहीं पाएंगे, मगर जितने भी अननेसेसरी चीजें हैं हमें उसे कम करना पड़ेगा, तब जाके हम ये धम्मा एक्टिविटीज जो है उसको हम बढ़ा पाएंगे। तभी अगर हम धम्मा एक्टिविटीज बढ़ा पाएंगे तभी जाके मैंने जो बोला था कि साथी, ब्रश करने के टाइम ब्रश करने की तरफ मन, झाड़ू मारने के टाइम झाड़ू की तरफ मन, बर्तन साफ करने के टाइम बर्तन, कपड़ा धोने के टाइम, तो ये चीजें हमारे पास रहेंगे। अगर ये चीजें रहता है और उसके बाद में हम शाम को या रात को थोड़ा आके हम बैठते हैं ध्यान करने के, तब हम ध्यान कर पाएंगे। अगर हम ध्यान कर पाएंगे तो ये जितने भी हमारे पास भोजंगा है, फैक्टर्स ऑफ एनलाइटमेंट, वो सब आएंगे हमारे पास। अगर वो सब आते हैं हमारे पास, मैंने जो पहले बताया था, तो हम दुख से हम बाहर आ पाएंगे। तो आज मैं धम्मा देशना इतना ही, और क्या कहते हैं कि मैं आप लोग सब लोग को ये विश करता हूँ कि आप लोग का ये दिन जो है वो अच्छे से शुरू हो, धम्मा के साथ शुरू हुआ ही है धम्मा के साथ, और आप लोग हीटफुल साथी के साथ आप लोग ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करो। और मैं अभी आशीर्वाद करता हूँ आप लोगों को। अधिवादन शीलस निच्छं वद्धा पचायिनो चत्तारो धम्मा वद्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति मेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु। साधु साधु साधु। ओके, आई विल डिस्कनेक्ट ना। Thank you, Bhante. Yes, welcome.